यो मौसम तैकु पार दी सैर कराई है मऊ चस आई है मैं झल जा लाही आप न ब्याहां मैं बेड़ी आप तराई है मऊ चस आई है कुलात सुने हम पूजे दे कुलाते चाट चखाई है मऊ चस आई है मेरा तारे कुते छेभे मैं लाल चुनी छंबवाई है बहू चस आई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मौजूद हाँ लसकानी वाले पतन दे उते इंदी तहसील जामपुरे जिला राजनपुरे ये अरे आला वाले इत्थों कने क्रॉस करण दे बाद लसकानी वाले पतन दो जेरे लोग होंदन ओ बेंदन इत्थों भी बेड़ी दे उते पहले लोडिंग थी दिए ते उंदे बाद वाला लसकानी वाला जरा पतन है उत्थों उंदे बाद दरिया क्रॉस करण दे बाद बेट मीर हजार दा इलाका शुरू थी वेंदे इत्थां ट्रैक्टर दी बेड़ी दे उते लोडिंग करेंदे पेन ओ तो कुड़ी दिखाएंदे हैं ते इत्थों दा सारा माहौल भी तुहाकू दिखाएंदे हैं। ट्रैक्टर दी लोडिंग वास्ते ए दू मजबूत फट्टे जेड़े बेड़ी दे उते मौजूद हैं एक फट्टा ओए ते दूजा फट्टा ए सामने ट्रैक्टर लाल फ्रंट ब्लेड लाल रास्ता बनाया गया मतलब बेड़ी दे बराबर तक को जमीन को किया गया ते हुण सामने जेड़ा ना ट्रैक्टर अंदा पे ते बेड़ी दे उते ट्रैक्टर को लोड करेंदे ने तुहाकू दिखाएंदे हैं। जय सिंध दे किनारे आबाद लोग ट्रैक्टर हल ब्लेड वगैरह दूजे किनारे दरिया के नेंदे रह वेंदे ने और ये सारा सफर बेड़ी दे उते तय थींदे दरिया कने थोड़े फासले दे उते मुख्तलिफ वाल भी हैं जेड़े दरिया के रास्ते हैं मुख्तलिफ जेड़े दरिया के पानी दे विच इजाफा थींदे ते उन्हें रास्ते कने पानी गुजरदे इन टाइम भी ये अरहें वाला वाल वांदा पे ते अरहें वाले वाल दे पार जे नेंदे रखदे हैं ओ अपने ट्रैक्टर वगैरह हल ब्लेड वगैरह ही बेड़ी के जरिए दूजी साइड के उत्ते नेंदे ट्रैक्टर के टायरें की पैमाइश कराने के बाद बेड़ी के उत्ते मौजूद फट्टियां की पैमाइश की वेंदी है ताकि जरा ट्रैक्टर का टायर होवे वह बराबर इन्हें फट्टियां के उत्ते आवे पैमाइश के बाद हूँ ट्रैक्टर उन्हें फट्टियां के उत्ते ही बेड़ी वाले पासे आंदा पे ट्रैक्टर को बेड़ी के उत्ते लोड करण एक मुश्किल काम होंदे और इंदे उत्ते काफ़ी सारा टाइम लग वेंदे पहले जमीन को बेड़ी के बराबर लेवल किया वेंदे उन बाद फट्टे रखे वेंदन और उन्हें फट्टियां के उत्ते ट्रैक्टर को चढ़ाया वेंदे ये तुसा सामने देते पे हो सो बेड़ी के उत्ते रखे फट्टियां के उत्ते ट्रैक्टर चलता पे तो ये बेड़ी के सेंटर के विच आ तो ट्रैक्टर को रोक ले सके साजद की मेहनत करूं।